A very good morning, dear student. Today we will discuss alkyd resin or glyptal resin. Resins का use different way में हो रहा है, जैसे paint, varnishes, enamels बनाने के लिए. तो इनको जो है हम different types के oil के साथ mix करके, fatty acids के साथ mix करके हम बनाते हैं. इसके अलावा cement में या asbestos में as a binding भी हम इनका use करते हैं. तो आज हम चलते हैं इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं किस तरीके से ये पॉलीमर बनता है. एल्काइड रेजिन या ग्लिप्टल रेजिन जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. तो इसके लिए हमने यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं ग्लिसरॉल या इथाइलीन ग्लाइकोल को भी हम ले सकते हैं. और पॉली बेसिक एसिड लेना है इसमें, पॉली बेसिक एसिड या एनहाइड्राइड, या एनहाइड्राइड भी हम ले सकते हैं. और इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं ग्लिप्टल रेजिन या एल्काइड बेसिक. अब पॉली बेसिक एसिड का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन वन एसिड ग्रुप हो. तो मोर देन वन एसिड ग्रुप में हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं फैलिक एसिड को. फैलिक एसिड, फैलिक एसिड क्या एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं. फैलिक एसिड को लिए जो बनाने के लिए यहां पर यदि हम फॉर्मूला देखते हैं फैलिक एसिड का, तो इसमें होता है एक बेंजीन रिंग और इसके साथ लगे होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगे हुए होते हैं यदि वो ऑर्थो पोजीशन पे लगे तो इनको हम बोलते हैं फैलिक एसिड. यदि पैरा पोजीशन पे लग जाए तो वो बन जाता है टेराफैलिक एसिड. तो फैलिक एसिड यहाँ पर बना. अब जब इसका एनहाइड्राइड बनाना, एनहाइड्राइड मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वॉटर. तो जब हमने यहाँ पर रिमूवल ऑफ वॉटर किया, रिमूवल ऑफ वॉटर करने से देखिएगा ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप ये यहाँ से निकल गया H2O के फॉर्म में. अब जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको हमने बोला फैलिक एनहाइड्राइड. तो फैलिक एनहाइड्राइड का यूज मीन्स देखिए ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा. यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी है सी डबल बॉन्ड O और फिर इसके साथ एक और ऑक्सीजन यहाँ पर रह गया. तो ये ऑक्सीजन का इस तरीके से बन जाएगा बॉन्ड स्कोर होल्डर. ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज फैलिक एनहाइड्राइड. इसका भी यूज हम इसकी प्रोडक्शन के लिए करने वाले हैं. एनहाइड्राइड वर्ड हमेशा रिमूवल ऑफ वॉटर के लिए ही हम यूज करते हैं. अब ग्लिसरॉल और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एल्काइड रेजिन बनाएंगे. इसमें कैटेलिस्ट और हीट का कितना क्या टेम्परेचर रिक्वायर है उसको हम समझते हैं. यहाँ पर इसका जब हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो यहाँ पर हमने टू मॉलिक्यूल लिए हुए हैं फैलिक एनहाइड्राइड के और यहाँ पर ये लिया हुआ है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH ये यहाँ पर लगा और ये फैलिक एनहाइड्राइड. इसमें ध्यान रखने की चीज है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट में यदि हम लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड लेड ऑक्साइड यदि हम ये कैटलिस्ट लेते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है. इसके अलावा इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट या NaOH का भी यूज कर सकते हैं. टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक. इसमें वैरायटीज बहुत सारी मेंटेन कर सकते हैं. इसमें यहाँ पर हम हायर फैटी एसिड्स का यूज कर सकते हैं. हम इसमें डिफरेंट ऑयल का यूज कर सकते हैं, ड्राइंग ऑयल का, सेमी ड्राइंग ऑयल का, नॉन ड्राइंग ऑयल का, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हैं इनका यूज करके हम बहुत ही अलग तरीके के, यदि हमको एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करना है या पेंट वॉर्निशेस इनेमल्स का फॉर्मेशन करना है या जो स्विमिंग पूल में जो हमारा बेस बनता है उसके लिए कवरिंग देते हैं इनर वॉल पे, वो सारी चीजों का यूज हम एल्काइड रेजिन का, वो सारी चीजें बनाने के लिए एल्काइड रेजिन का यूज करते हैं. अब इसको तो कि ज्वाइनिंग सीखते हैं हम. ज्वाइनिंग में आपको बॉन्ड ब्रेक करना है यहां से होगा. यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक किया. अब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो देखिए आप इस तरीके से यहां पर हम इसको
डिराइव करते हैं, ये बना है। अब यहां से C के साथ ये डबल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर हो गया C डबल बॉन्ड, और यहां से एक वैलेंस फ्री हो गई जिसको भी अपन ज्वाइन करते हैं, और यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया। अब ये भी यहां पर भी एक वैलेंस फ्री हो गई जो फिर C के साथ जुड़ेगा। यहां से OH ग्रुप की शिफ्टिंग करना है। OH ग्रुप की शिफ्टिंग हम कहां पर करेंगे, इस कार्बन के ऊपर करेंगे। तो यहां से OH ग्रुप निकला तो यहां पर जुड़ गया, ये बन गया आपका COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां पर बचा CH2, इसको अब यहां से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ये हो गया CH2, CHOH, CH2, और सिमिलर यहां पर भी हमने जैसे ही इसको बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमारे प्रोडक्ट में जैसे यहां चेंज आया, सिमिलर यहां पे भी इसी तरीके से चेंज आएगा, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन जो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर जो C डबल बॉन्ड O यहां पे जो बच रहा है जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, इसके साथ ये वाला OH ग्रुप, इस OH ग्रुप को यहां से शिफ्ट कर देंगे, तो ये OH ग्रुप यहां पर शिफ्ट हो गया। अब ये पूरा हमारा ये तैयार हो गया फ्रैक्शन, तो यहां पर क्या हो गया CH2 CHOH CH2, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ इस ऑक्सीजन से ये सेकेंड पार्ट, मतलब यहां से हम यहां पर बॉन्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरा एक फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन का हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, मीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर को करेंगे बनाएंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए ध्यान रखिएगा, एच का रिमूवल करेंगे हम यहां से एक एच, दूसरा एच का रिमूवल हम कर देंगे यहां से, और ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे हम यहां से। H2O का रिमूवल हो गया, तो देखते हैं अपन रिडाइट करते हैं फिर से पूरा यहां पर कि क्या इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। चूंकि ये एस्टर का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है इसलिए इसको हम पॉली एस्टर रेजेंस की कैटेगरी में भी हम रखते हैं। इसको हम यहां से सी डबल बॉन्ड को यहां से ओ, और ये जो है ये क्या बच जाएगा एस्टर टू बच जाएगा, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, एक वैलेंस फ्री होगी जो अपने प्रीवियस मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता चला जाएगा। ये ऑक्सीजन, फिर यहां से हम रिराइट करते हैं CH2। अब चूंकि यहां से ऑक्सीजन निकल चुका है तो ऑक्सीजन निकल चुका है तो ये रिमेनिंग पार्ट हम लिखते हैं यहां से H, यहां से H, फिर CH2, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, यहां पे बेंजीन रिंग, और C डबल बॉन्ड O एंड O, और ये एक वैलेंसी फ्री हुई। यहां से हमने ब्रैकेट लगा करके गोल्डन एन लगा दिया। ये जो पूरा प्रोडक्ट हमको दिखाई दे रहा है दिस इज एल्काइड रेजिन, एल्काइड रेजिन और ग्लिप्टल रेजिन। ये इतना इस तरीके से बन सकता है, यदि क्रॉस लिंकिंग करना है तो यहां से फिर ये क्रॉस लिंकिंग जो है यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल करके क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये इतनी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पॉली बेसिक एसिड्स जिसमें एसिड ग्रुप एक से ज्यादा हो, जैसे फैलिक एसिड उसमें दो COOH ग्रुप लगे हुए हैं, और पॉली बेसिक एल्कोहल, एल्कोहल में हम इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, और फिर इसमें ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, आंसर में जरूर मेंशन करके आइएगा कैटलिस्ट और टेम्परेचर, और फिर इनको ज्वाइनिंग करके हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को हम डिस्कस करते हैं। ऑफ एल्काइड रेजिन, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, कोरोसिव एंड एसिड रेसिस्टेंस, मींस किसी प्रकार का एटमॉस्फेरिक एयर का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होता है, एंड इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल इन वॉटर है। एंड नाउ यूजेस ऑफ एल्काइड रेजिन, इट इज यूज इन पेंट, वॉर्निशेस, इनहेलर्स, किसी प्रकार के बहुत सारे अलग 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 अलग
प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, कार बॉडीज और पैनल बनाने के लिए यूज किया जाता है, सीमेंट एस्बेस्टोस में एज ए बाइंडर यूज किया जाता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती है, स्विचेस एंड गियर बनाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। आई होप इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।